हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्दोष और मेरे चैनल टेक ज्ञान पर आप सबका स्वागत है। सो आज की वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ के बारे में। हालांकि टेक न्यूज़ में आपको बताना शुरू करूँ उससे पहले जरूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन से लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। साथ ही में अगर आपको मेरी ये मेहनत या एफर्ट पसंद आता है तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड हो और अगर उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए अब देखते हैं कि आज क्या टेक न्यूज़ निकल के आई है। सो अब जो हम पहले न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोटोरोला के स्मार्टफोन के बारे में। मैं कहूँ मोटोरोला H40 प्रो स्मार्टफोन के बारे में है। उसके इवन प्लस की तरफ से कुछ जो है 360 रेंडर्स कह सकते हैं निकल के सामने है, जो उसकी फोटोज़ जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ट्रिपल रेयर कैमरे का सेटअप के साथ हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। साथ ही में पानी के अंदर एक रेंडर में देखने को मिल रहा है, यानी IP68 का जो है शायद हमें रेटिंग हमें इसमें देखने को मिल सकता है। साथ ही में कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का जो है वो उस प्रोसेसर के ऊपर ही स्मार्टफोन रन करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। साथ में डॉल्बी एटमोस का भी जो है सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, एक फोटो के ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हो। सो अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन जो है हमें कौन सी प्राइस पे जो है लॉन्च तो देखने को मिलता है। हालांकि जिस तरह से इसकी लीक्स और अपडेट्स निकल के आ रही है हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी हमें इसका लॉन्च जो है वो देखने को मिल सकता है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले वो है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो पैड 2 जो है अब वो गीकबेंच की लिस्टिंग के ऊपर देखा गया है, जिसके मल्टी और सिंगल कोर स्कोर जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। साथ ही में ये जो पैड है वो स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर जो है वो रन करने वाला है। साथ ही में इससे पहले जो ओप्पो पैड लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसके अंदर हमें 2 वेरिएंट जो है वो देखने को मिले थे, ठीक है। और बट इसके जो स्पेसिफिकेशन कुछ एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि इसमें पहले से बढ़िया यानी कि 11 इंच की शायद हमें डिस्प्ले देखने को मिल सकती है अप टू 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही में HDR10+ का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। 9500 mAh की बैटरी और 67 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ हमें ये पैड देखने को मिल सकता है और अराउंड कहा जा रहा है शायद 25 से 30 हज़ार के आसपास शायद इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट्स मिल पाती है। तो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले वो है OnePlus के स्मार्टफोन के बारे में। मैं OnePlus A2V स्मार्टफोन जो आज लॉन्च होने वाला था चाइना में, जो लॉन्च हो चुका है, जिसके स्पेसिफिकेशन फोटोज जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमें 6.7 इंच का जो है 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ में ट्रिपल रेयर कैमरा का सेटअप है जो है 64+8+2 का सपोर्ट, 16 MP का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी प्लस 80 वाट का फास्ट चार्जिंग, डायमेंसिटी 9000 के ऊपर ये रन करने वाला है। अलर्ट स्लाइडर भी हमें देखने को मिला था इससे पहले रेंडर में, इसके बारे में बात की थी। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर 3 वेरिएंट जो है कंपनी ने लॉन्च किए हैं। हालांकि चाइना की जो प्राइस है वो आपको फोटो में दिख रही होगी बट मैं बात करता हूँ ये अपना जो इंडियन प्राइस है उसके बारे में। 12 और 16 GB रैम वाले 2 वेरिएंट हमें देखने को मिलने वाले हैं विद 256 GB ऑप्शन और 512 GB ऑप्शन के साथ। बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में तो 27000 इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो हमें देखने को मिल सकती है इंडिया के अंदर। अब देखते हैं कि जब इंडिया के अंदर लॉन्च होता है तो हमें इसकी क्या प्राइसिंग देखने को मिलती है। हालांकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 11R का काइंड ऑफ चीपर वर्जन जो है इन लोगों ने लॉन्च किया है, जो काफ़ी अच्छा भी है। अब देखते हैं कि इंडिया में आता तो कौन से ऑफर और कौन से प्राइस के साथ हमें ये देखने को मिलता है। जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है iQOO के बारे में। तो iQOO Z7 का जो है एक पोस्टर निकल के आया, जिसमें हमें आगे और पीछे फ्रंट और बैक दोनों लुक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। जो पोस्टर है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और इसमें हमें वाटर ड्रॉप नॉच और नीचे बड़ी सी चीन जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि कह सकते हैं कि डिज़ाइन जो है इतना कुछ खास है नहीं। अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे हमें ये स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि अब ये जो चीन है काफ़ी थिक चीन है और वाटर ड्रॉप नॉच है जो अब थोड़ा बहुत ये पैटर्न जो है आउटडेटेड हो चुका है और पैसे तो अब ज़्यादा लेने ही वाले हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 15-16 हज़ार में आप ये स्मार्टफोन सेल करने वाले हो, ठीक है। सो अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। हालांकि इसकी डिज़ाइन के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले वो है एप्पल के iPhone SE 4 स्मार्टफोन के बारे में। अब कहा जा रहा है कि इसके अंदर 6.1 इंच का जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है और साथ ही मैं बता दूँ कि ये बोई कंपनी की तरफ से जो है ये डिस्प्ले में देखने को इसके अंदर मिलने वाला है, सैमसंग का नहीं देखने को मिलने वाला। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कॉस्टिंग होगा वो शायद हमें कंपेरेटिवली थोड़ा, देखो पहले से तो बड़ा हुआ ही देखने को मिलने वाला है बट थोड़ा बहुत हमें जो है इसमें जो अगर सैमसंग का डिस्प्ले यूज़ होता तो प्राइस ज़्यादा देखने को मिलता बट बोई का यूज़ हुआ है डिस्प्ले सो हमें कम प्राइस में जो है ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी कम प्राइस क्या रहती है और कौन से नए फीचर्स के साथ हमें ये iPhone SE 4 जो है वो देखने को मिलता है। अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले वो है ओप्पो के बारे में। तो फाइंड एक्स सीरीज का जो है एक पोस्टर सामने निकल के है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, हालांकि उसमें जो है चाइना की लैंग्वेज में लिखा हुआ है बट कहा जा रहा है कि ओप्पो फाइंड एक्स 6 द कैमरा किंग कमिंग सून, ठीक है। यानी कि ये मार्च के महीने में ही जो है हमें इसका लॉन्च देखने को मिलने वाला है चाइना के अंदर। अब देखते हैं
कि हमें क्या क्या चीज़ें और इसके साथ लॉन्च होते देखने को मिल सकती है। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, जो इससे पहले मैंने आपकी न्यूज़ बताई ओप्पो पैड 2 के बारे में, वो भी शायद जो है हमें शायद इसी के साथ लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं आगे इसके बारे में क्या अपडेट्स मिल पाती है। सो अब जिस ब्रांड के बारे में या कह लूँ कि जिस ब्रांड की न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोको के बारे में। तो पोको X5 5G स्मार्टफोन जो है अब वो कहा जा रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक में जो है हमें इंडिया में लॉन्च होता है देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई अभी तक ऑफिशियल डेट या पोस्टर निकल के नहीं आया है और कहा जा रहा है कि अंडर 20,000 जो है हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि उसकी ऑफिशियल डेट क्या निकल के आती है और सही में हमें कौन सी प्राइस पे पोको का ये X5 स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलता है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है एंड्रॉयड 15 के बारे में। तो कहा जा रहा है कि एंड्रॉयड 15 का जो कोड नेम है वो वैनिला आइसक्रीम जो है वो रखा गया है। ठीक है, अब कोड नेम है या फिर सही में इसी नाम से जो है ये लॉन्च होता हमें देखने को मिलेगा, क्या है इसके बारे में अपडेट, देखते हैं कि आगे इसके बारे में और हमें क्या जो है अपडेट्स आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलती है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी के बारे में। तो रेडमी की तरफ से जो है एक पोस्टर बीच में निकल के आया था, बट वो जो है काइंड ऑफ सस्पेंस जैसा पोस्टर था। बट अब जो है वो पोस्टर, एक नया पोस्टर मैं आपको सुन पे दिखा रहा हूँ जो है उसके टीवी के बारे में। तो रेडमी जो है 14th मार्च को अपने नए जो है फायर टीवी जो है वो नए लॉन्च करने जा रही है। अब देखते हैं कि 14th मार्च पर कौन कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ रेडमी अपने नए टीवीज जो है वो लेके आती है इंडिया के अंदर। अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है टेक्नो स्पार्क 10 सीरीज़ के बारे में। एक लाइव इमेज निकल के आई है जो कहा जा रहा है टेक्नो स्पार्क 10 5G स्मार्टफोन की, जिसमें हमें सिर्फ कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। वो फोटो मैं आपको सुन के दिखा रहा हूँ और साथ ही में इसी मंथ हमें ये सीरीज़ जो है लॉन्च होते देखने को मिलने वाला है। साथ ही में कुछ एक दो और पोस्टर निकल के सामने आया है जिसके अंदर में क्लियर और डिफरेंट ही तरह का जो है कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके फोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और जिसमें कहा जा रहा है कि हमें हीलियो G88 प्रोसेसर के ऊपर जो है ये स्मार्टफोन रन होता देखने को मिलने वाला है। 256GB का जो है स्टोरेज और साथ में 16GB तक की हमें रैम इसमें देखने को मिलने वाली है। अब देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या अपडेट मिल पाती है, जो लीक फोटो निकल के आए वो कौन सा है, क्योंकि ये टेक्नो स्पार्क 10 सीरीज़ है, यानी कि शायद इसके हमें एक या दो वेरिएंट जो है देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी वेरिएंट के हिसाब से शायद कैमरा मॉडल जो है डिफरेंट देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट्स मिल पाती है। अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में। बताता हूँ रेडमी 12C स्मार्टफोन के बारे में। चाइना में तो ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वहाँ पे ये अवेलेबल है, बट अब इसका जो ग्लोबल लॉन्च है वो कंपनी की तरफ से जो है टीज किया जा रहा है। एक ट्वीट जो है कंपनी का वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और ये 9th मार्च को जो है अब ग्लोबल डेब्यू इसका होने जा रहा है। इंडोनेशिया के अंदर ये स्मार्टफोन हमें लॉन्च होता है देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर हमें उसके बाद कब तक देखने को मिलता है। मुझे लगता है शायद हमें इसी महीने में जो है ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च होता है देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर हमें कौन सी प्राइस पे देखने को मिलता है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है नुबिया के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बात करूँ नुबिया Z50 अल्ट्रा स्मार्टफोन, जो अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ और जिसके पोस्टर रेंडर हम देख चुके हैं टेक न्यूज़ के अंदर। अब ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो चुके हैं, जिसके स्पेसिफिकेशन जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमें जो है 6.8 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। 1500 निट्स की जो है पीक ब्राइटनेस हमें देखने को मिल रही है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के ऊपर हमें रन होता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही में ट्रिपल कैमरा का सेटअप जो है 64+64+50 16 मेगापिक्सल का हमें अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। 5000mAh की बैटरी, 80W का फास्ट चार्जिंग, साथ ही में NFC का सपोर्ट भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। एक सिंगल वेरिएंट जो है कंपनी ने इसके अंदर पहले तो लॉन्च किया है, जिसकी बेस वेरिएंट प्राइस है इसके अंदर टोटल हमें देखने को मिलने वाले 4 वेरिएंट 1TB तक की स्टोरेज देखने को मिल रही है। बट जो इसका जो बेस प्राइस है उसका प्राइस जो है वो मैं ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। 8GB रैम प्लस 256GB की प्राइस जो है 3999 जो चाइनीज़ करेंसी है उसके अंदर है, बट इसे कन्वर्ट करते तो 47,161 रुपीज़ जो इसकी प्राइस होती है। एक अंडर डिस्प्ले कैमरा विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, ठीक है, कैमरा सेटअप भी बढ़िया है, ये आपको 50,000 के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर इसी प्राइस पर अगर ये इंडिया के अंदर लॉन्च होता है तो आप क्या सोचते हो, आप ये अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला स्मार्टफोन यूज़ करना पसंद करोगे कि नहीं? डिस्प्ले पर आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा, एकदम प्लेन वॉलपेपर आप देख पा रहे हो, ठीक है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब जो हम आखिरी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोटोरोला के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बात करूँ मोटोरोला का G73 5G स्मार्टफोन के बारे में। हालांकि अभी ये लॉन्च होना बाकी है, बट इसकी प्राइस जो है रिवील हो चुकी है। इसके स्पेसिफिकेशन और फोटो जो है वो पोस्टर जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमें 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है विद 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 के ऊपर ही रन करने वाला है। 5000mAh की बैटरी, 30W का फास्ट चार्जिंग, ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, 50+8 का सपोर्ट हमें देखने को मिलने वाला है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 3.5mm जैक भी है,
ड्यूअल स्पीकर के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इसके अंदर में 13 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। IP52 की रेटिंग हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही में बात की प्राइस करें तो प्राइस की बात करें यानी तो 18,999 इसकी MRP होने वाली है। ऑफर प्राइस में हमें 16,999 में देखने को मिलने वाला है। जैसे कि यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि अंडर 20,000 जो है मोटोरोला G73 की प्राइस जो है वो हो सकती है। सो आप देख सकते हो पोस्टर के अंदर की ऑफर के साथ बात करें तो 16,999 इसकी प्राइस हमें देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि 10 मार्च को ये लॉन्च होता है तो इस स्मार्टफोन का क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हालांकि जिस तरह से प्राइस है फ़ोन कोई बुरा नहीं लग रहा है, और इसके अंदर हमें आपको जो है क्लीन UI देखने को मिलता है, स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। ब्लोटवेयर इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलते हैं मोटोरोला के स्मार्टफोन के अंदर, बट देखते हैं कि इसके अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। सो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि और लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड हो। अगर उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। हालांकि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आपको टाइम टू टाइम जो है उसका नोटिफिकेशन आता रहे और आप उस वीडियो को देख पाओ। साथ ही में कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो किसी प्रोडक्ट को लेके, तो इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर के ऊपर जाइए, टेकगेन सर्च कीजिए, वहाँ पे फॉलो कीजिए, उसके बाद DM कीजिए, और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको आपकी जो क्वेरी होगी उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मैं जितना जानता हूँ उतना आपको गाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। साथ ही मैं अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। बट ठीक है, फ्री में फॉलो करना है तो आप वहाँ पे भी प्यार मुझे दिखा सकते हो इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पे ऊपर। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।